हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जाने अपने स्पीकर का फिर से कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि चल गया था गाइस। तो हम लोग उसको बनवा के लाए हैं और इसको आज हम लोग फिर से इसको अपने इसके बॉडी में असेंबल करने के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डोर कैबिनेट है गाइस, जो कि 12 इंच का है। ये टॉप है जिसमें डुअल स्पीकर का है। तो फ्रेंड्स, जो कि ये दोनों ख़राब हो चुके थे, तो हम लोग इसके स्पीकर को हम लोग गए थे मार्केट वगैरह बनाने। देख सकते हैं इसमें 150-150 वाट के दो स्पीकर लगे हुए हैं, और इसी के साथ उसमें जो गाइस 200-200 वाट के डबल स्पीकर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो स्पीकर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने स्पीकर लगाया नहीं है, क्योंकि हम लोग दिए गए थे उसको सर्विसिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, वो स्पीकर आ चुका है, अब हुआ रहा। अब हम थोड़ी देर उसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको इसके कैबिनेट में फिट करेंगे। तो फ्रेंड, जल्दी से इसको हम लोग इसका कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका वायरिंग वगैरह करेंगे। तो फ्रेंड, बॉडी में हम लोग रखेंगे इसको ताकि कि फिट रहे, और जल्दी से हम लोग इसका कनेक्शन वगैरह हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड, ये उसका दूसरा स्पीकर है और ये हमारा न्यू वाला स्पीकर है। नहीं, तुम रहने दो। तो फ्रेंड्स, अभी आपको साउंड इसमें सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि गाइस हमने जो है कि साउंड बजाने सिर्फ नॉर्मली मशीन के जरिए वो सिर्फ टेस्टिंग वगैरह है गाइस। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसमें साउंड बजा कुछ कुछ देर बाद हम लोग इसमें साउंड चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें हमें थोड़े फेविकोल वगैरह लगाया ताकि सूख जाए, नहीं तो अगर अभी बजाएंगे तो जो कैप है उसकी वो उखड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर इसको हम लोग इसे सूखने देते हैं, तब तक हम लोग अपना जो आयरन है उसको गर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े बहुत आप देख सकते हैं जो कि वाइब्रेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें आपको साउंड अभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमने जो सॉन्ग को म्यूट करके रखा हुआ है, ये जो माइक के जरिए होता है उसके ज़रिए है गाइस, ये आपको वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगी इसमें। नॉर्मली ये जो है इसके जो होता है ना गाना बजाना रीड लीड को, उसको टच करने पर जो ये वाइब्रेशन निकल रिलीज हो रहा है उसी के ज़रिए है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कस ले बॉडी में फिट कर लेते हैं, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद जल्दी से इसको हम लोग उसके कैबिनेट में फिट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कैबिनेट जो कि है फिर से फिट वगैरह सब कुछ हो चुका है। स्पीकर वगैरह हमने सब कुछ अच्छे से इसमें फिट कर दिया है। सो गाइस, स्पीकर में उनको जाली वगैरह लगाना है, पहले इसको हम लोग इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पर हम लोग इसमें सॉन्ग प्ले करने वाले NCS का, जो कि नॉन कॉपरेट सॉन्ग होता है गाइस, जिससे कि इसकी सो गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय कॉपीराइट ना आए। तो फिर बिना देर किए सॉन्ग को सर्च करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग टेस्ट करते हैं इसमें कैसा बज रहा है गाइस। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फायर जो कि ऑन हो चुका है, ये भाई सब लगे हुए हैं। चलो कर सॉन्ग को हम लोग प्ले करते हैं। Thank you.
leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. And तो है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस देख सकते हैं हमने साउंड की टेस्टिंग वगैरह कर लिया। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पे नया हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।